सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढुंडवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। आप सभी को पता, हरियाणा में काफ़ी लंबे समय से लिपिकों की हड़ताल जारी है। उसी के चलते एक नई अपडेट आई है। लिपिकों के साथ पुलिस, स्टेनोग्राफर और परिचालकों को भी वेतन बढ़ने की आस, सरकार को भेजी मांग। हरियाणा में लिपिकों द्वारा की जा रही बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदेश सरकार असमंजस में फंस गई है। लिपिकों को 35,400 रुपये का ग्रेड पे देने की संभावनाओं पर विचार कर रही प्रदेश सरकार के सामने पुलिस जवान, स्टेनोग्राफर तथा परिवहन विभाग में कार्यरत परिचालकों ने भी ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी। तो इस प्रकार से साथियों, जिस प्रकार से क्लर्कों के द्वारा यानी लिपिकों के माध्यम से जो आवाज़ उठाई जा रही है, लगातार आंदोलन चल रहा है कि उनके ग्रेड पे में बढ़ोतरी की जाए, 35,400 जो उनका ग्रेड पे किया जाए। उसी के साथ साथ पैरेलल ही अब स्टेनोग्राफर व पुलिस के जवानों ने और रोडवेज के परिचालकों ने भी हड़ताल के लिए सरकार को लेटर लिख दिया है कि या तो उनका भी जो बेसिक पे में बढ़ोतरी की जाए, नहीं तो वो भी इसी प्रकार से हड़ताल पर जाएंगे। इन तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों ने राज्य सरकार के पास ईमेल के माध्यम से तथा डाक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन भेजने प्रारंभ कर दिए हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि यदि सिर्फ लिपिकों को बढ़ा हुआ ग्रेड पे दिया गया तो राज्य में बाकी श्रेणियों के कर्मचारी भी आंदोलन कर सकते हैं। इन्हीं कर्मचारियों की संख्या 1.30 लाख के आसपास है। पुलिस जवानों, स्टेनोग्राफरों तथा परिचालकों के संभावित आंदोलन को देखते हुए अब राज्य सरकार बीच का कोई रास्ता निकालने में जुट गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों को ऐसा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए ताकि सभी विभागों व श्रेणियों के लिपिक, पुलिस जवान, स्टेनोग्राफर तथा परिचालक संतुष्ट हो। तो इस प्रकार से सरकार काफ़ी असमंजस में पड़ गई है, क्योंकि अब यदि लिपिकों को इस प्रकार से बेसिक पे में बढ़ोतरी दी जाएगी, 35,400 मिलेगा, तो सरकार को पहले ही आहट है कि जो पुलिस जवान है या स्टेनोग्राफर है या परिचालक है रोडवेज में, वो भी साथ के साथ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो पहले ही इस मांग पर विचार किया जा रहा है, कोई बीच का रास्ता निकाल कर, और सरकार तलाश रही है कि किस प्रकार से इन तीनों श्रेणियों का जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए। और इसके बढ़ने पर सरकार ने विभागों को कह दिया है कि आप जांचें कि कितना अतिरिक्त जो भार है वो पड़ने वाला है डिपार्टमेंट के खजाने पर। सरकार राज्य में 5 जुलाई से हड़ताल पर चल रहे लिपिकों पर हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लगाने की तैयारी में है। सबसे अधिक परेशानी खजाना एवं लाग के लिपिकों की हड़ताल से हो रही है। इन विभागों में लिपिक सरकार के बड़े अधिकारियों व मंत्रियों का वेतन तैयार करते हैं। पहले यह लिपिक एस्मा के दायरे में नहीं आते थे। शनिवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिसूचना जारी कर खजाना तथा लेखा विभाग के लिपिकों को बेरे में ला दिया है, यानी किसी भी समय विभागों के आंदोलनकार लिपिकों पर एस्मा लागू हो सकता है और जल्द ही अब जो सरकार एस्मा लगा सकती है, ऐसा सुनने में आया है। तो साथियों, ये अपडेट देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।